और देश भर में 24,506 तक पहुंचा कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन का एक महीना पूरा, केंद्र सरकार ने देर रात बढ़ाया छूट का दायरा। हॉटस्पॉट के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने के लिए अभी करना होगा और इंतजार। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। 7 प्रमुख विभागों की ओपीडी शहर के कावंटिया, सेठी कॉलोनी और बनी पार्क सैटेलाइट अस्पताल में हुई शिफ्ट। अक्षय तृतीया का अबूझ सावा कल। राजस्थान में 23,000 शादियां हुई निरस्त, जो होंगी वो भी बिना शहनाई और बाराती के। 5 से कम लोग ही बन सकेंगे शादियों के साक्षी। मास्क या आपके प्रति, यहां वो लोग जुड़ते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, जिनके ऊपर जिम्मा है इस सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का, या फिर आपके प्रति उनकी जवाबदेही है, वो आपके प्रति जिम्मेदार हैं और वो आकर के आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर के आए हैं इस पत्रिका अब भी जारी। और दक्षिणी हवा से बदला मौसम का मिजाज, 28 अप्रैल तक मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत। आज 13 जिलों में अंधड़ और बरसात की चेतावनी। धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहली बात मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार अपनी बात रखें इस मुद्दे पर कि आखिर इस समय हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कोरोना के साथ लड़ना, और अपने डॉक्टर रूप में शपथ ले ली है। आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे और ये पद अब जून 2019 से खाली था, जिस पर अब कोठारी की नियुक्ति हुई है और कर रहे हैं इसे कोप अप करने के लिए। तो अभी हमने देखा है पिछले 1-1.5 महीने में कि भारत में कम से कम अराउंड 25,000 केसेस हो गए हैं, और खासकर महाराष्ट्र जो है वो अभी करंटली वहां पर 6,000 के आसपास केसेस महाराष्ट्र में है, और उसमें मुंबई में करीब 4,000 के करीब केसेस है। तो मुंबई जो है वहां पर काफी केसेस आ रहे हैं, और इन केसेस को मैनेज करना जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेशेंट्स को हमको मैनेज करना है जो कोविड के हैं, नॉन कोविड पेशेंट्स को भी हमको मैनेज करना है और उनको सेफ रखना है कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए कोविड पेशेंट से। और साथ में जो स्टाफ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कम से कम 3,000 लोग काम करते हैं, तो हमको ये भी इंश्योर करना है कि स्टाफ जो है वो सेफ रहे। तो ये सब तीनों चीजों को साथ में लेके हमको चलना पड़ रहा है, जो मैं कहूंगा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ चैलेंज है। ये एक एज गुड एज अ वॉर है, और जहां पर एनिमी जो है वो इनविजिबल है, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ही कंटेजियस है, बहुत जल्दी एक से दूसरे को स्प्रेड होता है। तो हमको ये मेंटेन करके चलना पड़ रहा है कि भाई हर एक पेशेंट जो है वो पोटेंशियल इन्फेक्शियस केस हो सकता है,
बट हमको एट द सेम टाइम उनको अच्छे से ट्रीट करना है, उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, क्योंकि काफी जगह ऐसे हो रहा है कि भाई कोविड पॉजिटिव है तो उनको दूर रखो, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हम तो हॉस्पिटल है। हमको इंश्योर करना है कि हर एक पेशेंट जो यहाँ पर आता है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट हम दे सके जिससे वो क्विकली रिकवर होके जा सके। तो इस अभियान में जो है गवर्नमेंट के साथ, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ और पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, हम सारे एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलके हम इसको कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक अभियान है, ये जो एक युद्ध है जिसमें हम सबको साथ में करना पड़ेगा, और ये तो शॉर्ट टर्म नहीं है, ये हमको, ये वायरस तो हमारे साथ रहेगा और हमको इसको साथ में मिलके लड़ना है। इसके साथ में मिलके लड़ना, पहला सवाल यहीं से शुरुआत जो हो रही है कि इस वायरस को क्या एक आप अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि हमारे साथ, क्योंकि WHO ने भी कहा है कि हमें एक आदत डाल लेनी चाहिए एक लंबे समय तक ये वायरस हमारे साथ रहेगा, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये वायरस कब तक हमारे साथ रह सकता है? देखिए, इवन WHO के जो एस्टिमेट्स हैं और हमारे जो ICMR और जो इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे हैं कि भाई ये जो वायरस है ये कम से कम फ्यू मंथ से लेके ईयर तक भी हमारे साथ रह सकता है। तो हमको जो है इसके साथ रहना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट हम जितना हम इससे दूर रह सके उसकी कोशिश हमको रखनी पड़ेगी। बट कम से कम मेरे हिसाब से ये फ्यू मंथ्स टू वन ईयर तक तो ये वायरस हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। एक साल तक हमारे साथ रह सकता है, तो सबसे बड़ा डॉक्टर साहब सवाल यही है कि एक साल तक सर्वाइवेबिलिटी क्या बचेगी, क्योंकि एक जो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है और पॉज बटन खुलते ही वापस से वायरस स्प्रेड होगा, तो इसको लेकर के क्या तैयारी आपको लग रहा है? क्योंकि चूंकि आप कोरोना की लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बैक टू बैक आप काम कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी लग रही है आपको? तो लॉकडाउन जो है ये एक ब्रेक मिला है हमको जिसमें काफी सारी चीजें हम अचीव कर पाए हैं। नंबर वन ये है कि भाई लोग जो है वो सेंसिटाइज हो चुके हैं कि भाई ये वायरस है और ये वायरस जो है एक से दूसरे में जल्दी स्प्रेड होता है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, हैंड वॉशिंग करना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटीज बढ़ा दी हैं, PPE वगैरह ऑर्गेनाइज हो गया है। तो इससे ये जो वक्त हमको मिला है इससे हमको हम तैयारी कर पाए हैं कि भाई हमारे पास सारे एम्यूनेशन अभी रेडी हैं, जिससे कि जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा लोग जो हैं फिर भी जो है वो सेंसिटाइज रहेंगे कि भाई हाँ हम साथ साथ में नहीं रह सकते, हमको एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, हैंड वॉश करना जरूरी है। और इसके साथ हमको जो है वी विल हैव टू स्टार्ट लिविंग विद द वायरस, हमको वायरस के साथ साथ रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज करना पड़ेगा कि भाई चाहे वो ट्रेन है बसेस है जब भी वो स्टार्ट होंगी या फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे दुकानों में जाएंगे तो कैसे डिस्टेंस रखना है, घर में एक दूसरे से कैसे डिस्टेंस रखना है। तो हम जो मैं आज सुबह कुछ डॉक्टरों से बात कर रहा था और वो भी कह रहे थे कि लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन, जो प्री कोविड एरा था और जो पोस्ट कोविड एरा है, जैसे वो कहते हैं कि BC और AD था अभी वो प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा हो गया है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डेफिनेटली चेंज होगा। और लॉकडाउन ने ये अचीव किया है कि लोग काफी सेंसिटाइज हो गए हैं, लोग अब जानते हैं कि भाई हमको ये सब चीजों का प्रिकॉशन रखना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये प्रिकॉशन की बात अगर मैं कहूं तो ये अरबिया तक ये चीज कम्युनिकेट प्रॉपर हो गई है, लेकिन अगर मैं अभी रूरल की बात करूं, रूरल तक उस तरह से स्प्रेड आउट नहीं हुई, उन्हें ये मालूम है कि एक वायरस आया हुआ है लेकिन प्रिवेंशन और प्रिकॉशन क्या रखने इसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। अगर ये लॉकडाउन मान लीजिए अगर खुलता है 3 मई या और आगे बढ़ के जब भी खुलता है अगर सरकार खोलती है, तो उसके बाद जो आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद जो प्री और पोस्ट वाला जो एरा है, तो उसके बीच का जो टाइम होगा पोस्ट कोविड वाला एरा जो उसके बीच में और लॉकडाउन के बीच में, क्या आप डिफरेंस देख रहे हो किस तरह से स्प्रेड आउट हो सकता है, कैसे वो बचाया जा सकता है उस भीड़ को उससे जूझने से? सो जैसे मैं कह रहा था ये एक युद्ध है और ये एक अनयूजुअल काइंड ऑफ युद्ध है, बिकॉज यहाँ सिर्फ आर्मी नहीं है, ईच एंड एवरी सिटीजन जो है उसको अपना अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन में ये स्प्रेड हो रहा है। तो इसके लिए सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर नागरिक ये अपनी अपनी जिम्मेदारी करके ले ले कि भाई मेरे को ये सारी चीजों का मेरे को ख्याल रखना है, मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मेरे को हैंड वॉश करना है, मेरे को मास्क पहनना है। मैं ऐसा नहीं कि हम साथ में घूमें, कि साथ में हम बाहर निकलें, सबको अलग अलग करके रखना पड़ेगा। तो ये जो है पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है
और इट्स नॉट इजी, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि इतने सालों में हमने कभी ये किया नहीं, और हमारा जो कल्चर है कि भाई हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें एक माइंडसेट चेंज है, बिहेवियर चेंज है, तो लॉकडाउन में वो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अचीव हो पाया है कि लोग वो सेंसिटाइज तो हो गए हैं कि भाई लाइफ हमको थोड़ी करके चेंज करनी पड़ेगी, और लॉकडाउन के बाद हमको बहुत ही सावधानी से स्टार्ट करना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा एपिडेमिक हो सकता है। और हम नहीं चाहते कि जैसे यूएस में, न्यूयॉर्क में हो रहा है या जैसे इटली में हो रहा है, वो काइंड ऑफ सिचुएशन हम नहीं फेस कर पाएंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और स्पेशली अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग एक एक घरों में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये रिस्क बहुत ज्यादा है। रूरल में क्योंकि थोड़ा ज्यादा स्प्रेड आउट है, लोग थोड़ा ज्यादा स्प्रेड आउट है, जगह ज्यादा है, तो रिस्क जो है वहां पर मेरे हिसाब से कम है, फिर भी सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस अब सबसे बड़ी चीज जो की फैक्टर होंगे मुझे लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद। लेकिन एक अभी यूजर पूछ रहे हैं, उनका सवाल है कि क्या अभी हमने वायरस को लॉकडाउन में घर के भीतर रखा हुआ है या उसकी एज खत्म हो पाएगी इस लॉकडाउन से, या फिर मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग अभी जो एक सिचुएशन है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि लॉकडाउन सिर्फ उसको रोकने के लिए या खत्म करने के लिए है। लॉकडाउन जो है वो रोकने के लिए है, ये खत्म नहीं हो रहा है। लॉकडाउन से जो है पेस ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो कहते हैं कि एक से दूसरे को जो ट्रांसमिशन है वो कम हो रहा है क्योंकि लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो अगर आप मिलोगे नहीं, एक ही एरिया में रहोगे, तो वो ट्रांसमिशन जो है वो साइकिल ब्रेक होता है। जो जब वो ट्रांसमिशन साइकिल ब्रेक हो रहा है तो वो स्प्रेड कम हो रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी एस्टिमेट लगाया था कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते कि आज भारत में 25,000 केस है, तो ये केसेस कम से कम 8 से 10 लाख हो सकते थे अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो। और अगर इतने केस होते तो हॉस्पिटल्स में ये बर्डन हम नहीं ले पाते, तो लॉकडाउन से ये अचीव हो गया है कि ट्रांसमिशन साइकिल जो है वो डेफिनेटली स्लो डाउन हो गया है। तो इस स्लो डाउन की वजह से हमको टाइम मिला है कि हम तैयारी कर पाए कि लॉकडाउन के बाद अगर स्प्रेड थोड़ा बढ़ता है तो भी हॉस्पिटल जो है वो तैयार है, बट डेफिनेटली लॉकडाउन ने वायरस को खत्म नहीं किया है। एक डॉक्टर साहब, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट आई, उसमें उसने कहा कि हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन है वो बेसिकली आप वायरस को सिर्फ स्टॉप कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इस बीच में आपको मेडिकल इमरजेंसी लेवल पे आपको तैयार करना पड़ेगा। और हर बड़े शहर में वो कह रहे हैं कि एक अगर एवरेज शहर है जिसकी आबादी 10 लाख है, वहां आपको 2,000 से 2,500 के बीच का एक कोविड हॉस्पिटल चाहिए, और उसमें 50% से लेकर 60% आपके आईसीयू बेड हो और आपके पास आईसीसीयू हो, तो क्या वाकई में हम लोग उस तैयारी के स्तर पर जा पा रहे हैं? तो इसपे जो है काफी लार्ज स्केल में इसमें काम हो रहा है, और ये मैं कहूंगा कि एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है जहाँ गवर्नमेंट, लोकल स्टेट, सेंट्रल बॉडीज और पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो सारे साथ में मिलके इसमें चल रहे हैं, तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। अगर मैं बॉम्बे का उदाहरण दूं तो यहाँ सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी अपनी तरफ से बेड्स कमिट किए हुए हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, बीएमसी कमिश्नर, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे कोऑर्डिनेटेड वे में एवरी डे जो है हमारे आपस के बीच में कॉल्स हो रहे हैं जहां पर हम असेस कर रहे हैं कि भाई कितने बेड्स हमने एलोकेट किए हैं, कितने बेड्स में पेशेंट है। एक सेंट्रल बॉडी है जो बेड एलोकेशन कर रही है। जैसे कि आपने राइटली बताया कि हर एक शहर में कम से कम 2,000 से 2,500 बेड बनाना बहुत जरूरी है, उसमें कम से कम 10% बेड जो है उसमें क्रिटिकल केयर बेड रखने जरूरी है, एंड 50-60% बेड ऐसे होने चाहिए जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रहना जरूरी है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा है कि ऑक्सीजन पेशेंट को बचा सकता है। तो मोर देन वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाए तो रिकवरी रेट काफी अच्छा रहता है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए तो कम से कम 50-60% चांस ऑफ डेथ है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट चला जाता है तो रिस्क ऑफ डेथ बहुत हाई है। तो पहले जो एक थॉट प्रोसेस था कि वेंटिलेटर्स, वो अब थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल केयर इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेटर इंपॉर्टेंट है, बट रिस्क ऑफ डेथ इन पेशेंट ऑन वेंटिलेटर 50-60% है।
डॉक्टर साहब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक सजेस्टिव पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग अभी जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, एक बात हो रही है कि हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ चले, उसके साथ हमने दूसरी ड्रग्स भी दी, और साथ में अब आ रहा है कि हम प्लाज्मा थेरेपी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है, तो दोनों थेरेपी, दोनों जो पॉलिसी है, जो उसको कैसे देख रहे हैं आप कि ये एक हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पर हम इलाज खोजने के करीब है क्या? तो ये जो है, बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये एक नई बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, ना ज्यादा क्लिनिकल एविडेंस है। तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि जैसे चाइना में क्या यूज हुआ, यूएस में क्या यूज हुआ, क्योंकि हमारे पास वो एक एडवांटेज है कि ये बीमारी हमारे यहाँ 3-4 महीने बाद आई है, तो वो डेफिनेटली वो लर्निंग जो है वहां पर वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के की डॉक्टर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें काफी काम किया हुआ है। तो यहाँ जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डेफिनेटली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल किया जा रहा है, और पेशेंट जो है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है जहां 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और मिनिमली सिम्टोमेटिक है, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही उनमें वो सुधार हो रहा है। जो पेशेंट में ज्यादा सीरियस हो रहे हैं उनमें वेरियस काइंड ऑफ अदर ट्रीटमेंट ट्राई हो रहे हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में फॉर एग्जाम्पल ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ दूसरे एंटीवायरल जो एचआईवी में यूज होते हैं, स्वाइन फ्लू में यूज होते हैं, वो एंटीवायरल्स दिए जा रहे हैं। और अभी प्लाज्मा थेरेपी के लिए अभी अप्रूवल आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो जहाँ जो क्योर्ड पेशेंट्स है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 35-40 पेशेंट्स क्योर होके चले गए, तो हम अब उनको वापस बुला के उनका ब्लड कलेक्ट करके उसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो लेके हम जो एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनमें हम वो ट्राई करेंगे। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है हम वही पेशेंट्स में हम ट्राई करेंगे जो एकदम क्रिटिकल है, जो वेंटिलेटर पे चले गए हैं, जहां रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा है, तो डेफिनेटली एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम उसको ट्राई करेंगे। बट जो 85-90% पेशेंट्स हैं वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और जो दूसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के साथ वो रिकवर हो रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा डॉक्टर साहब जो संकट जो खड़ा हो रहा है, वो संकट ये खड़ा हो रहा है कि हम लोग जिस इस समय पूरा जो माहौल है, चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, जैसे मैं कहूं अगर मैं मध्य प्रदेश में कहूं और दूसरे राज्यों में, कई जगह डॉक्टर्स कोरोना के इलाज के दौरान इन्फेक्टेड हुए और उनकी डेथ हुई है, कहीं ना कहीं एक दुखद घटना है। इसको लेकर के हॉस्पिटल मैनेजमेंट, चूंकि आप उसको देख रहे हैं, आप अपने यहां भी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या सीखें आपको मिली है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे कि हमें मेजरली इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमारे डॉक्टर्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान सेव रहें पूरी तरह से? तो ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो हॉस्पिटल्स के लिए है वो है कि अपने जो स्टाफ है उनको सेफ रखें, बिकॉज डॉक्टर्स और नर्सेज अगर सेफ नहीं रहेंगे, अगर वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, वो अगर क्वारंटाइन में चले जाएंगे, तो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कोई बचेगा नहीं, ना सिर्फ कोविड के लिए बट नॉन कोविड के लिए भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कि भाई आप कैसे इनको सेफ रख सके। सेफ रखने के लिए जो है कोविड साइड में जो है जो नॉन कोविड पेशेंट्स है उनके साथ जो जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, जैसे N95 मास्क हैं, गॉगल्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, गाउन्स हैं, शू कवर्स हैं, जो एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं, वो प्रोवाइड करना उनको बहुत ही जरूरी है, जिससे कि जब वो ये पेशेंट से वो डील करें कि वो कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ कि भाई मैं सेफ हूँ और मेरे जो साथ में मेरा सपोर्ट स्टाफ है वो सेफ है, तो उसके साथ वो पूरी तरह से वो पेशेंट का वो इलाज कर सके। इसके साथ साथ जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि अभी जो है हमारे लिए हॉस्पिटल में और सोसाइटी में भी ये संकट है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो पता ही नहीं, उनको भी नहीं पता कि वो उनको कोविड है, ना डॉक्टर्स जो उनको ट्रीट कर रहे हैं उनको पता है कि कोविड है, तो उनके लिए जो भी है उनके लिए भी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा मास्क पहने, ना सिर्फ डॉक्टर मास्क पहने बल्कि पेशेंट्स और पेशेंट के रिलेटिव, फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में हमने कंपलसरी किया है कि चाहे पेशेंट हो पेशेंट का रिलेटिव हो, जब भी वो हॉस्पिटल एंटर कर रहे हैं मास्क पहनना कंपलसरी है, डॉक्टर्स भी मास्क पहनते हैं। सो हर डॉक्टर पेशेंट को ऐसे ट्रीट करे कि ये पोटेंशियल कोविड हो सकता है। अभी स्टार्टिंग में जो डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं वो ऐसे इन्फेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने रूटीन कफ कोल्ड फीवर के पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया थिंकिंग कि ये नॉन कोविड है और उनसे वो कोविड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन लें, जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो भी आप मास्क पहने,
हैंड वॉश करें बिटवीन पेशेंट्स, आपका जो रूम्स है वो डिसइंफेक्ट करके रखें, जिससे कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हो। इसके बावजूद जो है अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम अर्ली स्टेज में क्वारंटाइन करें। ये जो ट्रीटमेंट, जो पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए, सॉरी जो डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए, जो नर्सेज इन्फेक्ट हुए, उनको हम इमिडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिकॉज ये जो युद्ध है, ये जो बैटल है, इसमें डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स, फ्यू डॉक्टर्स, फ्यू नर्सेस, फ्यू हेल्थ केयर वर्कर्स आर गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम चाहते हैं कि उनको अर्ली स्टेज में हम ट्रीटमेंट करें, उनको हम क्योर कर सके, जिससे वो वापस आ सके, जो मॉरल बूस्टिंग हो उनके लिए भी और बाकी स्टाफ के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस को सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी हमारे कंट्री में देयर इज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टू दिस कंडीशन। बिल्कुल सही बात है कि हम किसी भी एक भी डॉक्टर को खोना हमारे लिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर और देश के लिए भी इस समय के माहौल में बहुत बड़ी क्षति होगी। एक डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी एक दिक्कत आ रही है कि जो हॉस्पिटल्स के साथ, कई हॉस्पिटल्स का जब हम आईएमए से बात कर रहे थे तो आईएमए का कहना यह था कि गाइडलाइन जो है वो बहुत ही कंफ्लिक्ट कर रही है कई जगह पर। एक जगह ये कहा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि आप नॉन कोविड पेशेंट ना लें, आपको अगर सिम्टोमेटिक लग रहे हैं तो वो पेशेंट आप तब तक ना लें जब तक कन्फर्म ना हो जाए। तो अब क्या हो रहा है कि जिनको जरूरत है वाकई में हॉस्पिटल की, वो भले ही कोविड नहीं है, वो दूसरी बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन उनको हॉस्पिटल से नहीं ले रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आप उनको सबको भर्ती करना पड़ेगा। तो आईएमए का यही कहना था कि हम लोग इसी उलझन में हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो इसको लेकर क्या होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ सबसे बड़ी स्थिति यही है कि कोविड पेशेंट भी और नॉन कोविड भी उनके पास वेटिंग में है, तो कैसे वो एंटर कराएं उनको। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। जैसे आपने बहुत सही बताया कि हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोविड और नॉन कोविड को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, जिससे मिक्सिंग भी ना हो और हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है वो सेफ रहें और नॉन कोविड पेशेंट जो है वो सफर ना करें। क्योंकि इस, जैसे आपने सही बताया कि बहुत सारे नॉन कोविड पेशेंट सफर कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स हो, न्यूरो के पेशेंट्स हो, ऑर्थो के पेशेंट्स हो, क्योंकि हर पेशेंट, हर हॉस्पिटल जो है वो सावधानी बरतना चाहता है कि भाई ऐसा नहीं हो कि इनमें कोविड निकले करके। तो इसके लिए जो है स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम, जैसे जो भी पेशेंट हमारे यहाँ इमरजेंसी में आ रहे हैं, हम उनको प्रॉपरली स्क्रीन कर रहे हैं कि भाई इनको फीवर, कफ, कोल्ड है नहीं। तो इसकी ये स्क्रीनिंग में जो है चेस्ट स्क्रीनिंग, चाहे वो एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, ये बहुत ही मददगारी है, क्योंकि काफी सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी एक्सरे, चेस्ट और सीटी स्कैन में इस कंडीशन के सिम्टम्स जो है वो दिख जाते हैं। तो अगर उसमें कुछ दिख जाता है तो फिर आप वो पेशेंट्स को कोविड हॉस्पिटल में आप रेफर कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोविड वार्ड है तो आप वो कोविड वार्ड में उनको एडमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम इमरजेंसी में एज वेल एज प्लान्ड वर्क के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को हम टेस्ट कर पाए कोविड के लिए, जिससे कि जो पेशेंट भर्ती हो रहा है, हम जानते हैं कि भाई ये कोविड नेगेटिव है, तो अगर उसकी सर्जरी है या कोई प्रोसीजर है तो वो स्वाब के साथ अगर हम कर रहे हैं तो वो सेफ रहता है पेशेंट के लिए एज वेल एज फॉर द स्टाफ। अगर हम नहीं जानते कि भाई ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, तो फिर इट इज बेटर दैट वी डू द प्रोसीजर विद ऑल अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस। तो पीपी पहन के प्रोसीजर करना, तो ये है। गवर्नमेंट भी जो है इसमें गाइडलाइंस, जो स्टार्टिंग में जो गाइडलाइंस थी उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है कि पहले अगर कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आ जाता था तो वो हॉस्पिटल सील हो जाता था या वो बंद हो जाता था, बट अभी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस काफी मॉडिफाई कर दी है कि अगर उस एरिया में अगर कोई आपके हॉस्पिटल में कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो वो कहते हैं कि भाई आप उस एरिया को आप डिसइंफेक्ट कर लो, जो स्टाफ उनके कॉन्टैक्ट में आया है उसको आप क्वारंटाइन कर दो, बट बाकी एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल आप उसको कंटिन्यू करो सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि अदर पेशेंट शुड नॉट सफर। तो ये जो है अप्रोप्रिएटली गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जो है इन्होंने भी बहुत क्विकली गाइडलाइंस मॉडिफाई कर दी है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि वायरस कहीं जाने नहीं वाला है, तो हैव टू, एज वी सेड, लर्न टू लिव विद द वायरस, लर्न टू मैनेज द वायरस, लर्न टू फाइट द वायरस। तो उसके साथ साथ हमको जो है तो उस एरिया को हम डिसइंफेक्ट कर दें, उस एरिया के स्टाफ को हम क्वारंटाइन करें, एंड विद इन 24 to 48 hours आप फिर से वो एरिया स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको जो है, वेदर इट इज स्मॉल नर्सिंग होम्स और बिग हॉस्पिटल्स, वी हैव टू टेक अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, जितना हो सके हम डी रिस्क करें, स्टाफ को प्रोटेक्ट करें, पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करें, बट वी हैव टू कीप द हॉस्पिटल ऑपरेशंस गोइंग।
हॉस्पिटल ऑपरेशंस जारी रहने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी जो चीज और देखने में आ रही है, डॉक्टर्स जो कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो और डॉक्टर्स हो, सपोर्ट स्टाफ भी, वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर से जूझ रहा है। उसको कहीं ना कहीं एक जो इंटरनल प्रेशर है मन के भीतर, वो अपने घर नहीं जा पा रहा है, भाई अगर वो 14 डेज की शिफ्ट में है फिर वो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन हो रहा है, तो ऐसे माहौल में उनको कैसे बूस्टअप रखा जाए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज रखा जाए और उनको उस प्रेशर से बाहर निकाला जाए कि नहीं आप ठीक हैं और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें लाइक आई वाज टेलिंग यू द मेन योद्धा जो है वो जो कोविड यूनिट में जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़े योद्धा है, दे आर द ट्रू हीरोज, बिकॉज वो तैयार है वहां जाके पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ कि भाई उनके जान को भी खतरा हो सकता है, उनको भी रिस्क है कि भाई वो डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका आप मोरल जो है वो हाई रखें। एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है क्योंकि वो वॉलंटियर कर रहे हैं वहां जाने के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है एंड फुल क्रेडिट टू देम एंड हैट्स ऑफ टू देम एंड वी सैल्यूट देम कि ये ट्रू वॉरियर है जो वहां जा रहे हैं। अब इनको जो है कीप देयर मोरल बूस्ट एंड वेरी हाई, इनसे बात करना कंटिन्यूस, एज हॉस्पिटल मैनेजमेंट मैं खुद पर्सनली इन सभी लोगों से ऑन अ डेली बेसिस में बात करता हूँ कि जो वहां पर काम कर रहे हैं, जिनसे इनका मोरल जो है वो हाई रहे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है बिल्कुल इनके साथ है, वो जानते हैं कि भाई कोई भी अगर खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ भी अगर रिस्क हो तो वी आर देयर टू बैक देम अप, टू टेक केयर ऑफ देम एंड देयर फैमिलीज इन द इवेंट की कुछ नेगेटिव हो। इसके अलावा वी ट्राई एंड मेक श्योर कि वी गिव देम द बेस्ट लिविंग कंडीशंस, द बेस्ट एंड द मोस्ट न्यूट्रिशियस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन्स, वो सब हम दे रहे हैं इनको। बिटवीन 6 to 8 hours का ही हम शिफ्ट करते हैं जिससे कि इनके ऊपर ज्यादा लोड ना हो। इनको हम हॉस्पिटल में एक अलग एरिया में वी आर कीपिंग देम। हमारे जो साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनसे बात करते हैं जिनसे कि इनका मोरल हाई रहे और इनमें पॉजिटिविटी रहे। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है जहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आर साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल द टीम मेंबर्स टुगेदर आर वर्किंग विद देम। बिल्कुल सही बात है कि इनके साथ जितनी ताकत से खड़े होंगे उतनी ताकत से ये कोरोना के खिलाफ खड़े होंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना ने मेडिकल फर्टिनिटी को कितनी बड़ी चुनौती दी है कि पूरी मेडिकल फर्टिनिटी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, एक है दूसरी तरफ पूरी मेडिकल फर्टिनिटी खड़ी हुई है। तो ये तो एक ऐसी चुनौती है जो किसी ने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी है। तो समथिंग सिमिलर कहते हैं 1919 में जो स्पैनिश फ्लू हुआ था वो लेवल का, जहां पर एक ग्लोबल एपिडेमिक हो गया है। यू नो, हमारे पास पहले H1N1 रहा है या SARS रहा है या निपा रहा है या इबोला रहा है, बट ये लार्ज स्केल में किसी ने ये फेस किया नहीं है। तो मेडिकल कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत ही बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने इस लार्ज लेवल पे किसी को कोई एपिडेमिक नहीं देखा है, चाहे वो TB हो चाहे वो H1N1 स्वाइन फ्लू हो। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है एंड ऑल ऑफ अस आर लर्निंग क्योंकि किसी ने भी इसके इसकी प्रिपेरेडनेस या ट्रेनिंग किसी के पास नहीं थी। तो हम भी जो है हमने बहुत ही अच्छा काम हमारे जो मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है कि बहुत जल्दी हमने लॉकडाउन डिक्लेयर किया जिससे कि हमको थोड़ा वक्त मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। ये लॉकडाउन में चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी हो चाहे वो कॉमन पब्लिक हो, उनको ये अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन आ गया है क्योंकि काफी लोगों को ये तक नहीं पता था कि PPE क्या होता है, उसको कैसे यूज करें, कैसे उसको पहने, कैसे उसको निकालें, N95 मास्क कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें यूज कैसे करते हैं, पेशेंट्स को जो पोटेंशियल सस्पेक्ट या पॉजिटिव है उनके साथ हम कैसे उनको ट्रीट कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी वो सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस हो गया है इस लॉकडाउन के दौरान। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है बट इस पर बहुत सारी सीखें हम सबको मिली हैं जिससे कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा और जब हॉस्पिटल स्टार्ट गेटिंग बैक टू फुल सर्विस, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि भाई हम कैसे हम डीरिस्क कर सकें, कैसे हम पेशेंट्स को बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सके और साथ में प्रिकॉशंस भी ले सके, वो जो बैलेंस कैसे रखना है वो हम काफी कुछ हम सीख रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। डॉक्टर साहब वही चीज जानना चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी बड़ी चीजें जो सीख में आई जो कहीं ना कहीं हम लोग जिसके लिए मेंटली कभी प्रिपेयर ही नहीं रहे या हमें कभी जरूरत नहीं लगी, लेकिन अब जब वापस से हम रिबूट होंगे पूरी तरह तो हम सबसे पहले उन पर फोकस करेंगे कि नहीं हमारे हॉस्पिटल में या हमारे मेडिकल सिस्टम में ये चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो बहुत सारी चीजें जो हैं, चाहे वो हॉस्पिटल डिजाइन से हम ले पाए कि बहुत सारे हॉस्पिटल एक सिंगल बिल्डिंग में है, एक ही एंट्रेंस है, तो अब कोविड और नॉन कोविड को अगर आपको सेग्रीगेट करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग एंट्रेंसेस हो, पेशेंट जो सस्पेक्ट या पॉजिटिव पेशेंट हो उनके लिए एक अलग रास्ता हो जिससे कि कोई मिक्सिंग ऑफ ट्रैफिक ना हो। तो अब जो नए हॉस्पिटल्स बनेंगे तो एक बहुत बड़ी सीख है कि भाई अलग अलग एंट्रेंसेस होने चाहिए जिसमें इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव लोगों को आप मिक्स ना करें, आपकी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है वो सेपरेट होने चाहिए जिससे कि मिक्सिंग ना हो। तो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को भी आगे चल के काफी सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ये कोरोना वायरस आया है वैसे और भी कोई वायरसेस आ सकते हैं आगे चल के, तो ये मिक्सिंग जो है अवॉइड करने के लिए अलग एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हो, अलग नेगेटिव प्रेशर रूम्स हो जिससे कि वो जो एयर है वहां से बाहर ना निकले और मिक्सिंग ना हो पाए। इसके साथ साथ जो बिहेवियरल चेंजेस है, जैसे पेशेंट, पहले तो ऐसा होता था कि एक पेशेंट के साथ चार चार रिलेटिव आ रहे हैं, डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो पूरा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम वो स्टेज पे आ गए हैं कि पेशेंट और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एक ही रिलेटिव, और वो रिलेटिव भी हम ऐसे कह रहे हैं कि भाई एक बार आप आ गए हॉस्पिटल में, अगर आप पेशेंट के साथ हो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। और जो विजिटिंग में, जैसे पहले विजिटिंग आवर्स में भीड़ लग जाती थी कि एक पेशेंट को विजिट करने के लिए 10-10, 12-12 लोग आ जाते थे, वो सब अब बदल जाएगा। तो कोई विजिटिंग आवर्स जो है या तो होंगे नहीं या फिर एक ही विजिटर अलाउ होगा इवन ड्यूरिंग विजिटिंग आवर्स, तो जिससे कि लोगों का इंट्रैक्शन जो है, लोग जो अंदर आते हैं हॉस्पिटल में, अब जो क्राउडिंग है वो टोटली बंद करना पड़ेगा। तो बिहेवियर चेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास्क आई थिंक आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मास्क के साथ हमको रहना पड़ेगा बहुत बहुत लंबे। जैसे कि कुछ अलग कंट्रीज हैं जैसे जापान है, ताइवान है, जहां पर मास्क हैव बीन पार्ट ऑफ लाइफ, हैंड वॉशिंग हैव बीन पार्ट ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें जो है बिहेवियर्स हॉस्पिटल्स में भी विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक जगह पे हमने सैनिटाइजर्स लगा दिए हैं, हर एक जगह पे हैंड वॉश फैसिलिटीज हैं, विजिटर्स जो हैं बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हम तो वो स्टेज पे पहुंचेंगे कि शायद पेशेंट को, अगर पेशेंट एबल बॉडीड है तो वो अकेले आए हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा फॉलो अप पेशेंट्स के लिए हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप टेली कंसल्टेशन करें, स्काइप करें, तो जो अगर आप हॉस्पिटल आना अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करें। तो अब हम देख रहे हैं कि बिहेवियर चेंज हो गया है बोथ पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स, तो पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, वो भी अब सीख रहे हैं कि भाई फोन पे और स्काइप पे बहुत सारा ओपिनियंस हो सकते हैं, जिसके लिए पहले वो हॉस्पिटल आते थे वो सारी चीजें जो है वो फोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस या स्काइप के थ्रू हो सकती है। तो वो भी एक नई लर्निंग है, नया बिहेवियरल चेंज आ गया। डॉक्टर्स भी जो वो सोचते थे कि नहीं स्काइप के थ्रू नहीं हो सकता, वो अब वेरी कंफर्टेबल हो गए हैं, वो खुद कहते हैं कि नहीं पोस्ट ऑप जो पेशेंट जो है, फॉलो अप पेशेंट जो है, उनको हम स्काइप के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फोन के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है। तो काफी सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चीज जो आपने कही ना कि स्काइप के थ्रू या टेलीमेडिसिन वाला जो आपने एक ऑप्शन बताया, मुझे लगता है कि ओपीडी अब जो बड़े हॉस्पिटल्स हों चाहे छोटे, वो इस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक जो पेशेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जब तक डॉक्टर की शकल खुद न जाके फिजिकली देख ले, उसको एक भरोसा नहीं आता है। तो उसके लिए क्या, मतलब जो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट रहता है डॉक्टर का, उसके लिए कैसे उसको वो करेंगे कन्वेंस? तो इसमें जो है हमको एक थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू पेशेंट्स हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि डॉक्टर एक बार उनको मिले, उनको देखे। कुछ सारी कंडीशंस ऐसी रहती हैं जिनमें एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक केसेस हो, सर्जरी के केसेस हो, कैंसर के केसेस हो, जहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन जो है बहुत ही जरूरी है। बट जो फॉलो अप पेशेंट्स हैं, जैसे कि कैंसर का पेशेंट है या कीमोथेरेपी का, ओरल कीमोथेरेपी का पेशेंट है, या डायबिटीज का पेशेंट है जिसको सिर्फ उसका दवाई का डोज एडजस्ट करना है, जिसके लिए पहले वो आता था यहाँ पर डॉक्टर को आके रिपोर्ट दिखाता था और डॉक्टर वो देख के दवाई एडजस्ट करता था, वो सारी कंडीशंस जो है वो इजीली अब स्काइप के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि वो डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट ईमेल कर देता है, डॉक्टर उनसे स्काइप पे बात कर लेता है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है, चाहे वो वर्चुअल हो, फिजिकल ना हो, बट एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, उससे भी काफी सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कम 20% इंटरेक्शन जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा,
स्पेशली जो फॉलो अप पेशेंट्स हैं, जो मेडिकल पेशेंट्स हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, एंडोक्राइन पेशेंट्स हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, जिससे कि जो रिस्क है, अब पेशेंट्स भी जो है उनको उनका भी माइंड सेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो भी अब हॉस्पिटल आने के लिए वो थोड़ा सा अब थोड़ा रिलक्टेंट हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई अगर स्काइप के थ्रू हो जाए, फोन के थ्रू हो जाए, क्योंकि ये कोरोना के फियर के वजह से वो भी थोड़ा सा रिलक्टेंट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वाया मीडिया है जहां पर दे आर एबल टू डू दैट। और जो पेशेंट जेन्युइनली चाहते हैं वो आना चाहते हैं, और डॉक्टर्स अगर जो कंफर्टेबल नहीं है कि वो फोन पे नहीं एडवाइस कर रहे हैं या स्काइप के थ्रू नहीं एडवाइस कर रहे हैं, तो वो पेशेंट को बुला लेते हैं। तो न्यू पेशेंट्स डेफिनेटली दे मे नीड टू कम टू हॉस्पिटल सो दैट वो डॉक्टर उनको देख पाए, बट फॉलो अप पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है। जी, फॉलो अप पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब, एक जो आप कोरोना के, मैंने कहा ना कि आप पूरा महाराष्ट्र के जो मुंबई की पूरी कमेटी है, चीजें हैं, उसमें आप बैठ करके पॉलिसी मेकर्स में से आप भी शामिल हैं, तो ऐसी कौन सी वो पांच चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट की होंगी जो पूरे देश के लिए एक लर्निंग शेयरिंग हो सकती है कि ये चीजें तो इस फाइट में सबसे ज्यादा जरूरी है, बेसिक थिंग्स जो बाकी लोगों को भी सीख के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए, जो आपने अपनी लर्निंग शेयरिंग में वहां सीखी होंगी मुंबई में? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक चीज है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी, ये सारे सारे जो एंटिटीज हैं वो साथ में जब तक नहीं चलेंगे। और व्हेन आई से कम्युनिटी, इट मींस ऑल कम्युनिटी वर्कर्स इंक्लूडिंग पुलिस, इंक्लूडिंग हेल्थ ऑफिशियल्स, वो सारे, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज जो है, लार्ज स्केल टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि WHO ने भी कहा है टेस्ट टेस्ट टेस्ट, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने लोग कम्युनिटी में है। तो टेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग में भी होम टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तो लैब्स को होम टेस्टिंग करना जरूरी है, जिससे कि जो पोटेंशियल सस्पेक्ट है वो बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर वो बाहर जाए, कम्युनिटी में जाए, हॉस्पिटल्स में जाए, तो वो रिस्क है इन्फेक्ट करने का। तो जितना हो सके होम टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जो लैब्स हैं दे आर ऑफरिंग होम टेस्टिंग फैसिलिटीज, तो अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो अर्ली स्टेज में होम टेस्टिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज कि स्टिग्मा जो है इसको दूर करना है। काफी सारे पेशेंट जो है वो काफी लेट स्टेज में हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि सोसाइटी से स्टिग्माटाइजेशन, क्योंकि वो नहीं लोगों को बताना चाहते हैं कि उनको कोविड है। तो उस सिचुएशन में वो जो रिस्क है कि उन्होंने काफी लोगों को स्प्रेड कर दिया है और वो काफी लेट स्टेज में हॉस्पिटल आए, अगर आप लेट स्टेज में हॉस्पिटल आते हैं तो रिस्क ऑफ डेथ जो है वो बहुत ही हाई है। इसलिए अर्ली स्टेज, सो अर्ली टेस्टिंग, अर्ली स्टेज में हॉस्पिटल आना, ये चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड जो हमने बहुत बड़ी सीख हमको मिली है इसमें कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, जो मिनिमली सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उनको हॉस्पिटल में रखना, हॉस्पिटल का बेड वेस्ट करना है, क्योंकि ये जो कंडीशन ऐसा है कि 2 हफ्ते तक आपको क्वारंटाइन रहना है। तो हमने काफी सारे विद द गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन और BMC कोऑर्डिनेशन, उन्होंने काफी सारे होटल्स, काफी सारे लार्ज जो क्वारंटाइन होम्स हैं, स्कूल्स हैं, जो धर्मशाला है, वो सारी चीजें उन्होंने लेकर क्वारंटाइन फैसिलिटीज वहां बनाई है, जिससे कि पॉजिटिव पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक है, जो मिनिमली सिम्टम है, वो हॉस्पिटल बेड नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सारे लोग इन क्वारंटाइन फैसिलिटीज में है। वहां एक डॉक्टर है जो बस एग्जामिन कर रहा है कि भाई पेशेंट सेफ है। तो एक डॉक्टर जो है 200-300 लोगों को वो जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज में वो ख्याल रख पा रहा है, और हॉस्पिटल बेड जो है वो अवेलेबल है सीरियस पेशेंट्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट में, कि आप हॉस्पिटल बेड्स को जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए रखें, ना कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से भरे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेस्टिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेड्स कीपिंग देम फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स एंड क्रिएटिंग लार्ज क्वारंटाइन। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और BMC ने बहुत सारे होटल्स ले लिए हैं, बहुत सारे स्कूल्स ले लिए, बहुत सारे लॉजेस ले लिए, तो कम से कम 15,000 से 20,000 लोग जो हैं इन सारे एरियाज में उन्होंने रखे हैं, जिससे कि हॉस्पिटल पे प्रेशर नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हर एक स्टेट में 2 या 3 बड़े कोविड हॉस्पिटल बनाने जरूरी है, जहां वो सारे कोविड पेशेंट्स को आप साथ में रख सके। इससे जो है स्टाफ ट्रेनिंग,
यूज ऑफ पीपी ये सब रैशनली हो सके, क्योंकि एक स्टाफ पीपी पहन के कम से कम 15-20 कोविड पेशेंट्स को मैनेज कर सकता है। अगर आप एक पेशेंट के लिए वो पीपी यूज वेस्ट करें एक हॉस्पिटल में रख के, वो वेस्ट है। तो लार्ज कोविड हॉस्पिटल बनाए जिससे में ये सारे स्टाफ जो ट्रेंड है और पीपी भी रैशनली यूज कर सके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिग्मेटाइजेशन जो है ये हमको हटाना है कि आपको अगर कोविड है तो कोई बात नहीं, ये तो एक साधारण फ्लू की तरह है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड का जो स्टिग्मेटाइजेशन है कि लोग बिल्कुल भाग रहे हैं और एकदम से स्टिग्मेटाइजेशन, वो दूर रखना है जिससे कि पेशेंट प्रोएक्टिवली सामने आ सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कंटेनमेंट जोन्स करना। अगर एक एरिया में अगर आउटब्रेक हुआ है और 30-40 लोगों को कोविड हुआ है तो उस एरिया को कंटेन करें जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज और बीएमसी और पुलिस ने किया हुआ है, जिससे कि ये जो कंडीशन है वहीं पर रहे और दूसरे एरियाज में नहीं स्प्रेड हो, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बिगेस्ट चैलेंज जो आ रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव हो रहे हैं उसके वजह से हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, वो हम नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल्स बेड्स की वैसे ही स्केर्सिटी है। तो हमने भी गाइडलाइंस काफी मॉडिफाई किए हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर स्टाफ पॉजिटिव आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टाफ पॉजिटिव डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स यू स्टाफ पॉजिटिव आएगा तो कैसे अर्ली डिटेक्ट करें, कैसे ट्रीट करें जिससे कि क्विकली दे कैन कम बैक टू वर्क। ये भी बहुत बड़ी सीख है कि सारे हॉस्पिटल्स को इस एपिडेमिक में साथ में चलना पड़ेगा जिससे नॉन कोविड पेशेंट भी सफर नहीं करें, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स बंद हो तो नॉन कोविड पेशेंट कहाँ जाएंगे, क्योंकि हार्ट अटैक जो है, फ्रैक्चर जो है, ब्रेन ट्यूमर जो है, कैंसर सर्जरी, ये भी तो साथ में हमको करना है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जहां सब लोगों को शोल्डर टू शोल्डर साथ में रह के करना। बिल्कुल साथ में रह के करना, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक एक आपने जो बड़ी बात कही कि स्क्रीनिंग, होम स्क्रीनिंग जरूरी है कि हम उनकी टेस्टिंग होम घर से करें। अब दिक्कत सबसे बड़ी है कि टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जो किट अभी जो बाजार में दी गई उसको भी आईसीएमआर ने वापस ले लिया, 2 दिन के लिए रोक लगा दी थी कि उसके जो टेस्ट का जो रिजल्ट परसेंटेज जो 5 से 6% ही कंफर्म आ रहा है, रेस्ट ऑफ वो कंफ्यूजिंग है। तो फिर इसका मॉड्यूल क्या होना चाहिए टेस्टिंग का, क्योंकि अगर टेस्ट हमारे पास करने के लिए कोई बेहतर ऑप्शन लार्ज स्केल पर नहीं है। तो इस पे टेस्टिंग के 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग है। एक तो जो कहते हैं वो जो पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग है जो कि अर्ली स्टेज में पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए होता है, तो उसमें कम से कम अभी मोर देन 200 लैब्स जो हैं वो रिकग्नाइज हो गए हैं, और पहले जो किट्स की जो शॉर्टेज थी वो भी अभी कम हो गई है, तो काफी सारे किट्स अब यू नो थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अब अवेलेबिलिटी ऑफ किट्स जो है वो काफी सारे हो गए हैं। यहाँ पर लार्ज स्केल टेस्टिंग जो है अब फॉर जो पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग है जो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्टिंग है वो अभी काफी लार्ज स्केल में अवेलेबल हो गए हैं। आप जो कह रहे हैं जो आईसीएमआर ने जो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग जो रैपिड टेस्टिंग है, ये वो वाले टेस्ट है जो एंटीबॉडी यानी कि अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्ट हो के अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो गई है, ये वो वाले टेस्ट है। तो वो वाले टेस्ट में अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं इसकी, जिसके वजह से काफी सारे गवर्नमेंट और ICMR ने भी बोला है कि अब थोड़ा इसको वेट करो, बट जो अर्ली स्टेज वाली जो टेस्टिंग है वो अभी काफी लार्ज स्केल में अब अवेलेबल है और बहुत सारे लैब जो है वो होम कलेक्शन कर भी रहे हैं। तो कम से कम 2 या 3 अगर आप चाहते हैं कि होम टेस्टिंग करें तो वो काफी लार्ज स्केल में वो अवेलेबिलिटी हो गया है। पर जो एंटीबॉडी बेस्ड स्क्रीनिंग है जो मास स्क्रीनिंग के लिए, उसको अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार ICMR से ग्रीन सिग्नल अगर मिल जाता है जब ये एंटीबॉडी टेस्ट स्टार्ट होगा, इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गए हैं, इसका मतलब है कि शायद आपको साइलेंट एक्सपोजर हो चुका है और आपकी बॉडी ने ऑलरेडी इन्फेक्शन को फाइट कर चुकी है। तो ये एंटीबॉडीज अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो यू मे बी रेडी टू एक्चुअली गो बैक टू द कम्युनिटी एंड वर्क, और यू कैन इवन बी इन अ पोजिशन टू डोनेट दोज फॉर नीडी पेशेंट्स। ये जो है कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 दिन में अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो ये लार्ज स्केल स्क्रीनिंग स्टार्ट हो सकता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लॉकडाउन खुल सब कब सकता है और कौन कौन लोग जो है वो वापस अपने अपने कामों में जा सकते हैं इन अ वेरी सेफ मैनर। जी, कौन कौन लोग जा सकते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक नया रास्ता होगा हमें आगे बढ़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन, एक कभी एक सवाल आया यूजर का, वो ये कह रहा है कि
N95 मास्क पहनने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है घर के बने हुए कॉटन के भी आप मास्क पहन सकते हैं, तो दोनों की बायबिलिटी क्या है और N95 मास्क को कितने दिन पहनना चाहिए जो रेडीमेड मास्क है, और घर वाला मास्क कितना काम कर रहा है? सो जो रिकमेंडेशन है N95 मास्क, बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस है कि N95 मास्क इज मेंट फॉर जो लोग डायरेक्टली कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं या कोविड हाईली सस्पेक्ट पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उन्हीं के लिए N95 मास्क इज रिकमेंडेड। क्योंकि N95 मास्क जो है इट इज नॉट अ वेरी इजी मास्क टू यूज, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसको फिक्स करने के लिए उसका साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको बिल्कुल आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना है, क्योंकि यू कैन नॉट यूज दैट मास्क फॉर मोर देन 4 to 5 days। उसकी जो वायबिलिटी है N95 मास्क की इट इज ओनली फॉर 4 to 5 days। और जो रूटीन के लिए है इट इज रिकमेंडेड जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स है जो नॉन कोविड एरियाज में काम कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड सर्जिकल मास्क जो कहते हैं 3-ply मास्क जो है दैट इज गुड इनफ। और जो नॉर्मल कम्युनिटी है उनके लिए क्लॉथ मास्क जो है इट इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू, कि क्लॉथ मास्क आप यूज करें, उसको आप डेली बेसिस पे वॉश कर सकते हैं, ब्लीच के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं, और जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें तो क्लॉथ मास्क आर वेरी कंफर्टेबल। N95 सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं या जो हाईली सस्पेक्ट कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं उन्हीं के लिए रिकमेंडेड। नॉर्मल पर्सन के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप N95 नहीं यूज करें, क्योंकि N95 इज अ वेरी वेरी स्केर्स रिसोर्स, बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है, और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये रिसोर्स की बहुत जरूरत है। वरना हम ये नहीं चाहते कि जैसे US में और इटली में हो रहा है कि N95 मास्क है नहीं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और हेल्थ केयर वर्कर जो है नॉर्मल मास्क और स्कार्फ के साथ N95 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, तो वी डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये जो रिसोर्स है हमको बहुत ही सेंसिबली हमको ये यूज करना है। डॉक्टर साहब एक एक सवाल और एक हमारा यूजर पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह के पता चला कि चाहे वो जो प्री फॉलोअप में है आपके साथ मरीज, चाहे वो बीपी के हों, शुगर के हों या इस तरह की दूसरी बीमारियों के हार्ट के, चूंकि कोरोना इस समय है तो उनको किस तरह की आप मतलब एक एडवाइस देते हैं कि किस तरह की सावधानियां रखें जिससे वो कोरोना से एक थोड़ा सा एक अपनी उनकी डिस्टेंस बनी रहे, जो नॉर्मल सबके लिए सलाह है उसके अलावा? सो अभी भी जो डेटा आ रहा है चाहे वो US से है या इटली से है वो ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं वो उन पेशेंट्स में हो रहे हैं जिनको या तो ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या ओबेसिटी है। सो हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, ये तीन चीजें जो है बहुत ही हाई रिस्क फैक्टर्स है फॉर पेशेंट विथ कोरोना टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस। तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ पेशेंट जो है उनको खास सावधानी लेनी है कि आप मास्क जो है बिल्कुल आप ऑल द टाइम पहन के रखें। जब आप मास्क पहनते हैं तो बिल्कुल आप मास्क को जो है वो टच ना करें, आप अपना आपका जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको आप बिल्कुल कंट्रोल में रखें। आपकी जो इम्यूनिटी है यू हैव टू ट्राई एंड कीप इट एज हाई एज पॉसिबल, तो मल्टी विटामिन जो है, विटामिन सी जो है, आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। स्पेशली अगर आप सीनियर सिटीजन है तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, आपका इंटरेक्शन जो है वो आप मिनिमम रखें बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, ऑलवेज इवन अगर आप घर पे भी हैं तो आप मास्क पहन के रखें, कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन कैटेगरीज आर एट हाई रिस्क especially if you are senior citizens, so you have to minimize your external exposure. जी कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं जो बुक वक्त है हमारे लिए वो बहुत ही तनाव वाला वक्त है कि इसमें कैसे हम चीजों को मैनेज करें। डॉक्टर साहब एक जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टरों और अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उनके लिए क्या सीख होगी कि वो कैसे उसको मैनेज करें और इस युद्ध में किस तरह से वो हेल्प करें और किस तरह से वो लड़े? तो सबसे बड़ी सीख हमारे लिए ये रही है कि वी हैव टू ऑल बी मेंटली स्ट्रांग। ये बहुत ही बड़ी सीख है क्योंकि एवरी डे इज अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमारे लिए, क्योंकि एक तरफ कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं जो हाई रिस्क हैं उनका हमको ख्याल रखना पड़ रहा है, जो स्टाफ है उनको मोटिवेटेड रखना है, उनको सेफ रखना है, लॉकडाउन के बावजूद
उनको हम कैसे मोटिवेट करें कि आप हॉस्पिटल्स में आए काम करें, क्योंकि उनको उनके भी घर में उनके फैमिली मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो कैसे इस हाई रिस्क एनवायरमेंट में आए काम करें और फिर वापस जाके अपने घर में जा सकें। इसके साथ साथ जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी हम कैसे इंश्योर करें कि उनको हम बेस्ट केयर दे पाए। तो ये जो बैलेंस रखना है ये एक बहुत ही बड़ी सीख रही है हमारे लिए कि हम साथ में कैसे हम साथ साथ में काम कर सकें और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में सबसे बड़ी सीख। वरना हम पहले तो ऐसा रहा है कि हर हॉस्पिटल अपना अपना काम कर रहा है, पब्लिक हॉस्पिटल वो अपने काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है, कम्युनिटी अपना काम कर रहा है, बट जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जहाँ की सेंट्रल स्टेट ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज पब्लिक हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ पेशेंट्स ये सब साथ में मिलके कैसे काम करें, दैट हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग हमारे लिए। जो बिहेवियर चेंज है चाहे वो डॉक्टर्स में हो, पेशेंट्स में हो, स्टाफ में हो, और स्टाफ जब मैं कहूंगा तो डॉक्टर्स से लेके जो हमारे क्लास फोर वर्कर्स जो है सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो एक ही रूम में चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, हमारा वार्ड बॉय हो, स्वीपर हो, एक ही रूम में बैठ के हम सबकी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये आई वुड से बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और टीम एफर्ट रहा है एंड इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस चेंजिंग, तो नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब इट। बिल्कुल सही बात है कि ये एक ऐसा वक्त है जिसको ना तो कोई कह सकता है ना बोल सकता है, लेकिन ये तय है कि ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टरों का योगदान बहुत बड़ा कहलाएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर संतोष सेठी जी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी होटल के सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई में कोविड के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो आप ये मान करके चलिए हम एक युद्ध के मैदान में हैं और हमें उसी तैयारी के साथ जाना चाहिए। डॉक्टर्स को आप जितना सम्मान दे सकते हैं, जितना उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनका ध्यान रखिए। और उन्होंने क्या क्या एडवाइस दिए इस आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने जो सीख दी है, मुझे लगता है कि कोविड से लड़ने के लिए इससे बेहतर बात कोई और नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे, नमस्कार। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, धन्यवाद।